फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी TPDDL 27 नवंबर को इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट और डिस्कनेक्शन से रिलेटेड जो भी केसेस है उनका ऑन द स्पॉट सेटलमेंट के लिए एक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। जी हां फ्रेंड्स, 27 नवंबर को TPDDL के द्वारा रोहिणी सेक्टर 3 में एक स्पेशल लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट से रिलेटेड यानी कि बिजली चोरी से रिलेटेड जो भी केसेस हैं, जो भी कोर्ट केस भी चल रहे हैं या फिर जो फाइल होने वाले हैं, उन सभी केसों का ऑन द स्पॉट सेटलमेंट किया जाएगा। तो यदि आपका भी कुछ इस टाइप का कुछ केस चल रहा है तो आप ही इस लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। इस लोक अदालत में जो भी आपका केस होगा ऑन द स्पॉट सेटल कर दिया जाएगा और जो भी पेमेंट आपको करनी होगी उसका वहीं पे आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करेंगे, बजाय आप चेक से करें या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी मोड में आप उस पेमेंट को कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, यदि आप इस लोक अदालत का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 19124 पे कॉल करना पड़ेगा, जो कि TPDDL का कस्टमर केयर नंबर है। यहाँ पे आप फ़ोन करके अपने आप को लोक अदालत के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी TPDDL ने जारी किया है और वो ईमेल आईडी है eac.care@tatapower.ddl.com। ठीक है फ्रेंड्स, इस ईमेल आईडी पे आप राइटिंग में लिख के भेजेंगे कि आप लोक अदालत में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आपको वहाँ से रिटर्न मेल आ जाएगा। लेकिन बेटर है कि आप 19124 पे कॉल करिए और अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए लोक अदालत के लिए। तो 27 नवंबर को दिन रविवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक लोक अदालत लगेगी रोहिणी सेक्टर 3 के ईएसी ऑफिस यानी TPDDL का जो ईएसी ऑफिस है वहाँ पे लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप गूगल मैप में ईएसी ऑफिस TPDDL लिख देंगे रोहिणी सेक्टर 3, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, आपको मैप आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपका भी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट से रिलेटेड या फिर डिस्कनेक्शन से रिलेटेड कोई केस पेंडिंग है तो आप इस लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं और अपने केस का ऑन द स्पॉट सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।